बैडन की टीम ने संपत्ति के साथ दो सक्रिय स्नैचर को पकड़ा। 9 मार्च 2023 को सलोनी नाम की एक शिकायतकर्ता ने थाना राजवाड़ी गार्डन में सूचना दी कि दो लड़के बाइक पर आए और उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। इसके बाद पीएस राजवाड़ी गार्डन के तहत मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई। ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नियमित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एसएचओ राजवाड़ी की देखरेख में एसआई नवीन, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, हेड कांस्टेबल शिवचरण, कांस्टेबल अनिल, कांस्टेबल प्रदीप की एक टीम बनाई गई थी। मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें एक बाइक पर दो स्नैचर देखे गए और सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्नैचरों की स्पष्ट तस्वीरें और कथित बाइक का पंजीकरण नंबर प्राप्त किया गया। बाइक के फील्ड सत्यापन के बाद यह अजय निवासी टैगोर गार्डन दिल्ली के नाम पर पंजीकृत पाया गया। तदनुसार दिए गए पते पर छापेमारी की गई, लेकिन वह वाहन नहीं पाया गया। गाड़ी के मालिक का कोई सुराग नहीं मिलने के बाद टीम ने अपना गुप्त मुखबिर सक्रिय किया। उन्हें झपटमारों के फोटो दिखाए गए और दोनों की शिनाख्त विनीत और अके रूप में हुई। दिनांक 14 मार्च 2023 को तकनीकी और मैनुअल सर्वेलेंस की मदद से दोनों आरोपियों को रघुबीर नगर से गिरफ्तार किया गया। उनके निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त 4 मोबाइल फोन और एक एम साइकिल बरामद की गई। जांच के दौरान सभी मोबाइल फोन थाना राजवाड़ी गार्डन इलाके से चोरी होना पाए गए। पूछताछ में इन्होंने अन्य वारदातें करना कबूल किया है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि वे दोनों ड्रग एडिक्ट हैं और पैसे की व्यवस्था करने के लिए मोबाइल फोन छीन लेते थे। फिलहाल आगे की जाँच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।